हेलो हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। हम ऐसे पढ़ेंगे ना, इसे छोटी स्क्रीन पर, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है कल रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए। पूरे एफर्ट द्वारा देने पड़ते हैं, क्लास की लेंथ पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक आई थिंक हो गया था। ये भी हो चुका था, नेमिंग वाला भी हमने चार्ट पे ख़त्म कर लिया था, यहाँ पे भी कर लिया था। ये ख़त्म कहते हैं आते हैं ना, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स, किंगडम एनिमेलिया। आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, किंगडम एनिमेलिया के अंदर, है ना, एज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, है ना, जिसमें दिखाया गया था कि वो प्लांट्स से कितने डिफरेंट हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं Here, you will know about the diversity in animals. अब जाना, एनिमल्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। एनिमल डिफरेंसेस हैं सर, एनिमल और प्लांट्स आपस में तो डिफरेंट है ही है, वो खुद में एनिमल्स है ना, खुद में बहुत डाइवर्स है ना, खुद में बहुत डाइवर्सिटी है। टिल टूडे मोर देन 10 लैक्स, मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग एनिमल्स आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड एवरी ईयर सम न्यू स्पीसीज आर रिपोर्टेड। वो करें आज तक 1 मिलियन यानी 10 लाख तो नई स्पीसीज मिल चुकी हैं, 10 लाख स्पीसीज तो मिल चुकी हैं, और हर साल कुछ ना कुछ नई स्पीसीज मिलती जाती हैं, मिलती जाती हैं। ऑल दीज एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। वो कह रहे हैं आएंगे सारे किंगडम एनिमेलिया के अंदर, लेकिन किंगडम एनिमेलिया के अंदर फिर इनको कुछ ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं एनिमल किंगडम को हमने 9 मेजर फाइला में डिवाइड किया, 1 2 1 2 से लेकर 9 तक। ठीक है, पहला पॉलीफेरा, दूसरा प्निडेरिया, दूसरा प्रेटेहेलमिंथिस, दूसरा नेमाटोडा, फिर एनलिडा, फिर आर्थ्रो, फिर मॉलुस्का, फिर एक्नोडर्मेटा, फिर कॉर्डाटा। पता नहीं क्या 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 नहीं है ना। अब आते हैं यार, चलो वर्टिब्रेटा और एंटी वर्टिब्रेटा, अब इनका डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्लास सर उपराली उसको सब ग्रुप को समझाएंगे नहीं, वो सिलेबस में नहीं दिया, बस बताया गया कि एनिमल्स को, क्योंकि हम बहुत सारे स्पीसीज में बना रखे हैं, तो उनको समूह को याद रखना डिफिकल्ट होगा, उनको समझना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो उनको कुछ कैटेगराइज करने के लिए उन्होंने फिर 9 कैटेगरीज बना दी यहाँ पे। बस आपको नैनो के नाम याद रखने हैं, सबके शॉर्ट आप सब पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और 4 नंबर से छोटा क्वेश्चन का बनेगा नहीं, 2 नंबर में इतने सारे नाम नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। आप पढ़ने रहा द फाइल है 1 to 8। ओके, ये जो 1 to 8 के फाइल होंगे ना, जो मेंशन किए गए फ्रॉम पॉलीफेरस लेके एक्नोडर्मेटा तक, आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर द कैटेगरी इन इनवर्टी ब्राटा, है ना, इनवर्टी ब्राटा बोलो, ब्राटा बोलो। दैट इज एनिमल विदाउट अ बैकबोन, ये तो आपको पता होगा ना। वर्टिब्रा का मतलब क्या होता है, स्टू का मीनिंग क्या होता है, इतने का, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वर्टिब्रा बैकबोन, इसको क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन। तो कह रहे हैं सर यहाँ पर इन लिखा है, तो इनका मतलब नेगेटिव हो गया। अब आप पर बैकबोन ना हो तो वही लिखा, ये सारे वो ग्रुप्स हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, जिन्हें बैकबोन नहीं। और जो लास्ट फाइलम है इंक्लूड्स ऑल सच एनिमल्स विच हैव सम काइंड ऑफ बैकबोन, और सर जिनके पास बैकबोन होती है वो 9th कैटेगरी में आता है, कॉर्डोटा के अंदर, एंड दीज आर पॉपुलेट कॉल्ड एज वर्टिब्रेटास, है ना। द एंटीब्रेटास आर दोज एनिमल विच हैव नो बैकबोन बिल्कुल, एंड द वर्टिब्रेटास आर दोज दैट हैव बैकबोन। ठीक है, बिल्कुल। दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस बट नॉट फॉर्मल। वो कह रहे हैं दिस क्लासिफिकेशन ओनली अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया ना केवल कन्वीनियंस के लिए किया गया है, कोई फॉर्मली कोई इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं। मैंने आपको समझा था ना कि समझना वैसा काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो सब अपनी सुविधा के लिए, अपनी ईज के लिए उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया। टेबल 8.2 बिलो गिव्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वर्टिब्रेटास एंड इनवर्टिब्रेटास। आगे कुछ है पढ़ने लायक नहीं, तो पहले डिफरेंस पढ़ते हैं, बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्टिब्रेटस के पास इंटरनल स्केलेटन होता है, इनके पास वो भी नहीं होता, बैकबोन तो इनके पास होती ही नहीं है, है ना। इनमटेरियल नहीं होती, हाँ
कभी कभी एनस के टिप पर होती है और बैक एंड पर होती है। हार्ट इज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, हार्ट जो है वेंट्रल साइड में होता है, यहाँ पर डोर्सल साइड में होता है, वो भी तब जब हो वरना वो भी ना हो। ठीक है, यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो थोड़ी खोखली वालो होती है, थोड़ी खोखली वालो होती है, थोड़ी खोखली होती है, डेंटल की साइड होती है, डेंटल की साइड होती है, और ये सॉलिड होती है, ये खोखली होती सॉलिड होती है। यहाँ पर लिम्स के दो पेयर, यहाँ पर लिम्स के दो पेयर होते हैं, यहाँ पर तीन और तीन से ज़्यादा भी लिम्स के पेयर हो सकते हैं वो भाई, अगर हो तो। हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट RBC, जो हेमोग्लोबिन होता है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, यहाँ पे अगर हो तो वो ब्लड में डिजॉल्व हो चुका होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इनमें। प्रोग्रेस चेक, रीअरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स ग्रुपिंग इन अ सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट। चलो बहुत अच्छा होता है, अब आपको करना है कि सबसे पहले जीन्स आते हैं, है ना, जीन्स के बाद फिर स्पेसिस आई थी आई थिंक, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर फोर्थ में फ्लेम, फिर फिफ्थ में ये, मेरे को ध्यान नहीं, आपको ये पीछे देख के आपको होगा ना, इजी वाला है ये तो। ठीक, मगर फीचर दैट कैट, हाँ ये बहुत ईजी है, ये भी होमवर्क में आपका। वर्टेब्रेटा, वर्टेब्रेटास के, वर्टेब्रेट्स के बेसिकली बोल लो, उनके जो फीचर्स हैं कर रहे हैं, कौन से वर्टेब्रेटास के फीचर्स हैं। ठीक है, इनवर्टेब्रेट फैला। ठीक है, बात करते हैं सर। इनवर्टेब्रेट फैला मतलब सर वो शुरू के 8 कैटेगरीज, हाँ, पॉलीफेरा से लेके एक्नोडर्माटा तक। फाइलम पॉलीफेरा सबसे पहले वाले के बारे में क्या ये डॉक्टर ने एक्सप्लेन करेंगे क्या आपको इसमें? बहुत खूब, चलो यहाँ पे एक्सप्लेन, वो सारे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फाइलम पॉलीफेरा ये सर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पोर्स रखते हैं, यानी जिन्हें पोर होते हैं, जो क्या होता है पोर्स होते हैं स्पंज वगैरह, लिखा भी लिखा भी सिकोन और बाथस्पंज जैसे पिक्चर में दिखाए गए हैं। सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ध्यान रखना। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो डे, उनकी बॉडी थोड़ी खोखले खोले से बनती है। देयर इज नो सिंगल माउथ, ये चीज़ तो काम की यहाँ पे, इनका सिंगल माउथ नहीं होता बल्कि बहुत सारे पोर्स होते हैं और टनल्स होते हैं, है ना, इन दी बॉडी वॉल थ्रू विच, जिनके थ्रू वाटर अंदर आता है, थ्रू विच वाटर एंटर्स, है ना। फ्रॉम वाटर इस पानी के करते हैं स्पंजेस कैप्चर देयर फूड, इन पानी से अपना खाना लेता है। अ सिंगल लार्ज ओपनिंग ऑन द टॉप इज द एग्जिट फॉर वाटर, का सबसे टॉप पर एक लार्ज ओपनिंग होती है, यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा आपको, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये जो ओपनिंग होती है। अब पानी यूज करके खाना तो बना लिया, अब सर पानी जो बचा है रिमेनिंग उसको तो बाहर कर देंगे, वो किसी काम पर नहीं, तो उसको बाहर निकालने के लिए लार्ज ओपनिंग काम में आती है। द स्पॉन्जेस यूजली हैव अ स्केलेटन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पिकुलस और इलास्टिक स्पॉन्जिन फाइबर, वो क्या उनका स्केलेटन इन लोगों की तरह होता है। एक्सेप्ट वन और टू फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस और फाउंड इन सी, वो करें एक दो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस को छोड़ दो, वरना बाकी सारे के सारे सी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल होगा सेकोन बास स्पॉन्ज, है ना, ये एग्जाम्पल दे दिए। फिलम क्नेडेरिया या फिर क्वेलिंटेरेटा, ये सुन क्या सेक लाइक एनिमल्स क्या होते हैं, दिखाई दे रहे हैं फैले से, इसको तो सेक लाइक एनिमल्स, उनका स्ट्रक्चर है ऐसा। एग्जाम्पल दे रहे हैं हाइड्रा, जेलीफिश, सी एडमॉन, कोरल्स,
In cnidarians, two-layered body wall enclosure single cavity known as coelenteral. सर यहाँ पे दो लेयर की बॉडी होती है, ठीक है, दो लेयर की बॉडी से वॉल होती है, दो लेयर वाली, है ना, जो कि सिंगल कैविटी को एनक्लोज करके रखती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोएलेंटेरॉन कहते हैं, कोएलेंटेरॉन कहते हैं, कोएलेंटेरॉन कहते हैं। इन विच डाइजेशन टेक्स प्लेस, इन विच डाइजेशन टेक्स प्लेस, जिसके अंदर डाइजेशन वाला काम होता है। द कैविटी ओपन बाय अ माउथ एट द एंड ओनली, सर ये कैविटी वाला जो एरिया होता है केवल कैसे होता है, माउथ के थ्रू, है ना, एट द एंड। देर आर टेंटिकल्स, देर आर टेंटिकल्स टू कैच फूड ऑर्गेन्स, उनके पास टेंटिकल्स होते हैं कि अपना खाना कैसे कर सकते हैं, है ना। द क्रिनिडेरियंस आर फाउंड इन वाटर, जनरली पानी मिलते हैं, मोस्ट इन सी, जनरली सी में सबसे ज़्यादा, सी में और फ्रेश वाटर में बहुत कम। कोरल्स डेवलप हार्ड स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उनका बहुत हार्ड स्केलेटन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट भी कहाँ से होते हैं, उनके सीक्रेशन के थ्रू, यानी वो चीज़ रिलीज करते हैं उसी से। बट दीज आर नॉट बोन्स, लेकिन आप इसको बोन्स नहीं कहोगे, बट आप इसको बोन्स नहीं कहोगे, है ना। नेक्स्ट थ्री फाइला सबवर्म्स, द नेक्स्ट थ्री फाइला या प्लेटी हेलमिनिथिस नेमाटोडा एंड एनी लीडा इंक्लूड द एनिमल्स विच मे बी कलेक्टिवली कॉल्ड वर्म्स। सर ये कह रहे हैं तीन कैटेगरीज के अंदर जो भी एनिमल्स आएंगे आप उसको कलेक्टिवली वर्म्स भी कह सकते हो। दिस इज अ टर्म कॉमनली यूज फॉर क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग एनिमल्स, सर ये वो टर्म है जो जनरली क्रॉल करने वाले और क्रीप करने वाले एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, जिनकी रिलेटिव सॉफ्ट बॉडीज होती है, जिनकी बाकियों से थोड़ी, जब भी रिलेटिव बढ़ा है, रिलेटिव रिलेटिव मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स, एज कम्पेयर टू अदर्स, है ना, किसी और की आप रेफरेंस बात करो तो उनके कंपेरिजन उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है। सर यहाँ पे लिखानी है एज कम्पेयर टू, यहाँ पे लिखानी है रिलेटिवली, मतलब ऊपर नीचे जितनी हम बातें करेंगे तो उन एनिमल्स में इनकी सबसे ज़्यादा सॉफ्ट बॉडी होती है। अभी ऊपर हम कुछ की बात करके आए हैं, कोरल्स वगैरह की, है ना, और अब आगे भी करेंगे, ठीक है, तो उनके कंपेरिजन में इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, फ्लैट वर्म्स भी कह सकते, 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 फ्लैट वर्म्स भी कह सकते हैं। दीज आर स्मॉल सॉफ्ट फ्लैटेंड usually unsegmented worms, usually unsegmented important word, unsegmented, ये अलग नहीं होते हैं, without a body cavity coelom, बिना cavity के body से अलग नहीं होते हैं। The elementary colony जो उनकी होती है इसमें तो खाना जाता है, इस only one opening, उसी के लिए एक ही opening होती है जो कि जाती के थ्रू mouth के थ्रू। Most of the flatworms live on और इन साइड अदर एनिमल्स बट अ फ्यू आर फ्री लिविंग इन द सी और फ्रेश वाटर, वो कह सकते हैं सकते हैं वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर या फिर उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं एज अ पैरासाइट, बहुत ही कम होते हैं जो इंडिपेंडेंटली सी में फ्रेश वाटर में आपको मिले। एग्जाम्पल पैरासाइट लिवर सूक, टेप वर्म, फ्री लिविंग प्लेट, क्या कहते हैं, मतलब एग्जाम्पल देने पैरासाइट्स का एग्जाम्पल दें तो लीवर फ्लूक का, टेपफॉर्म का, और उससे जो फ्रीली मिल जाते हैं इंडिपेंडेंट रहते हैं तो वो हैं आपके प्लेनेरियन, एक ही दिया है ना, एक ही दिया है, यू विल लर्न मोर अबाउट अ टेबल इन चैप्टर 16, अभी तो एक और चैप्टर है आपके लिए इनको समझने के लिए। फिलम नेमाटोडा, ये आपको थोड़े थोड़े फ्लैट दिखाई दे रहे थे, अब ये थोड़े राउंड आपको दिखाई देंगे, है ना, दे आर लॉन्ग, लंबे तो होते ही हैं सर ये बॉम्ब्स वाले तो ज़्यादातर। सिलेंड्रिकल, अब ये राउंड शेप कैसे देंगे, सिलेंड्रिकल बुल्की देंगे। अनसेगमेंटेड, ये भी विद अ फ्लूइड फील्ड और फॉल्स बॉडी कैविटी, है ना। द एलिमेंट्री कनल ओपन एट द टू एंड्स, इनके पास दो एंड्स होते हैं माउथ और एनस, दे आर मोस्टली पैरासिटिक, जनरली पैरासिटिक होते हैं,
बटरस्कॉच जो कि होते हैं वो सॉइल में भी आपको मिल जाते हैं। एग्जाम्पल्स हुकमॉम, एस्केरिस इन ह्यूमंस, ईल वर्म्स इन पोटैटो प्लांट्स। यू विल लर्न मोर अबाउट एस्केरिस इन मेरे चैप्टर 16 में। एनलिडा फेलम एनलिडा। सेगमेंटेड रिंग्ड बॉम्स एग्जाम्पल कह रहे हैं अर्थवर्म्स, जो अलग अलग हो जाते हैं, जो कि अलग अलग मिल भी देते हैं, जो आपको मिल भी दिख भी जाते होंगे ऐसे, है ना। अर्थवर्म्स नेरेज हुए तो लिखा हुआ था बॉडी ऑफ एन एनलिड वर्म इज सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होते हैं एंड रिंग लाइक सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। रिंग लाइक सेगमेंट्स में एन एनलिड वर्म हैज अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्ट अच्छा होता है। विद द एलिमेंट्री कैनल ओपन एट द बोथ एंड, दोनों दो साइड होती है, इसमें साउथ और एनस में दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है द कोएला, है ना। माउथ एनस अभी आपको लग रहा है सर अर्थवर्म तो ये है नहीं, तो कुछ और लग रहा है सर, जो सांप वगैरह लग रहा है वो पिक्चर में आपको इतना बड़ा करके दिखा दिया, जूम करके दिखा दिया कि आपको लगता है कि सर ये सांप है, अदरवाइज आपको रियल में दिखाते तो आपको अर्थवर्म ही लगता है। इनको गिलाड़ भी बोलते हैं। अब वो हम कॉमन टर्म यूज़ कर देते हैं, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो तीन कैटेगरी, हम तीनों कैटेगरी को मिक्स करके गिलाड़ बोल देते हैं हिंदी में, अगर आप सुनाओ तो कभी अपन इनको साइंटिफिक लैंग्वेज में बहुत डिटेल में अलग अलग बोला जाता है। अर्थवर्म्स के बारे में आपको बता रहे हैं, ऑल अर्थवर्म्स लिव इन बुरोज एंड डैम सोयल, आराम से अपने घर में रहते हैं गड्ढा बनाकर, है ना। दे मेक दिस बुरोज बाय ईटिंग थ्रू द सोयल, सर ये बुरोज कैसे बनाते हैं, अपना घर कैसे बनाते हैं और सोयल को खा खा कर, द सोयल इज ईटन इन लार्ज क्वान्टिटी, सोयल को बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में खाते हैं और कर देते हैं द अदर एंड ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कास्टिंग, और फिर उसको दूसरे अपने बॉडी के दूसरे पार्ट में उसको रिलीज करते हैं और एक डिज़ाइन बनती है, घर बन है ना, बस एक डिज़ाइन बन जाते हैं उन लोग कास्टिंग मतलब। द सॉइल कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, सॉइल के अंदर क्या होते हैं कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, है ना, लाइक ह्यूमस 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 एंड ब्रोकन बिट्स ऑफ लीव्स और काफ़ी सारी छोटी पत्तियाँ, ये खाते हैं ये लोग खाते हैं और इस लोग खाते हैं, इसी हमें सॉइल में मिलती भी हैं। आर्स वर्म्स अवर लाइट, अर्थवर्म्स अबाउट लाइट, सर ये लाइट में कम मिलेंगे आपको दिखाई देंगे। दे आर नॉक्टर्नल ऐसे लोगों को नॉक्टर्नल कहा जाता है। दे क्रॉल अप द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एट नाइट फॉर फीडिंग एंड मेटिंग, सर ये रात में भी उठती हैं मेटिंग फीडिंग के लिए। ड्राई सॉइल इज अनसुटेड फॉर अर्थवर्म्स, सूखी मिट्टी के लिए सूटेड नहीं है। देयर स्किन हैज टू इज टू बी कैप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन, उनकी बॉडी को हमेशा गीला रखना पड़ता था ताकि वो रेस्पायर कर पाए। द कॉमन इंडियन अर्थवर्म, देखो उन्होंने उस का नाम भी रख दिया उस कैटेगरी का। द कॉमन इंडियन अर्थवर्म फ्रेटिमा पोस्टुमा इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी 8.711 पर, देखो तो सही कौन सा हमारा फेमस है। खतरनाक लग रहा है, अच्छा कितना लॉन्ग होगा ये पता नहीं, 2 सेकंड रुकने जरा। आप पढ़ो जरा, आप पढ़ना चाहो तो मेरे को 2 सेकंड देना, 2 मिनट। द कॉमन इंडियन अर्थवर्म है, ये तो हो गया, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी विच इज डिवाइडेड इनटू अ
सीरीज ऑफ 1800 रिंग्स। और लिख मतलब इनकी जो बॉडी उतनी इतनी लंबी होती है कि इनकी बॉडी में 80 से लेकर 100 तक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। दिस इज नो हेड एंड देयर आर नो लेग्स। नैना में इनका याद रखना, इनके पैरों को क्या बुलाता है ना, अपेंडिजेस है ना, नो आई नो टेल। सर क्या होता है फिर इनके पास? द माउथ इज अ सिंपल ओपनिंग एट द फ्रंट एंड। सर केवल माउथ होता है इनके पास, कोई आँख वगैरह नहीं होती है। दे आर नो जॉज, कोई जबड़े नहीं होते इनके। द एनस इज लोकेटेड द एक्सट्रीम हिंड एंड, बिल्कुल बैक में होते हैं। इन अ मैच्योर वर्म और सिलेंड्रिकल बैंड ऑफ थिक ग्रैनुलर स्किन सराउंड्स द बॉडी लाइक अ। वो कह रहे हैं मैच्योर वर्म, मैच्योर वर्म मतलब क्या, जो वर्म एक प्रॉपर मैच्योर मतलब एक ग्रोथ स्टेज पर आ चुका है ना, मतलब ग्रोथ हो, ग्रो हो चुका है, किसी ग्रोथ स्टेज पे नहीं है, ग्रो हो चुका है जो बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल बैंड ऑफ थिक ग्रैनुलर स्किन, एक कुछ सिलेंड्रिकल शेप की कोई होती है सेल से बनी स्किन, जो क्या करती है सराउंड कर लेती है उसकी बेल्ट को इन दिस सेगमेंट 14-16, इसके 14-16 सेगमेंट को कवर कर लेती हैं, विच इज ऑलमोस्ट 1/3 डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फ्रंट एंड, यानी इसका 1/3 पार्ट उससे कवर हो जाता है। दिस सेटलम सर्व्स इन रिप्रोडक्शन, सर ये वाला एरिया रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। द लाइटर कलर्ड वेंट्रल साइड बियर्स अ फ्यू इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स क्लोज टू द सेटलम। क्या लिखा होता है, लाइटर कलर्ड वेंट्रल। अच्छा जितना लाइट कलर का वेंट्रल होगा है ना, वो उतना ही ज़्यादा करेगा, वो उतनी कम क्या करेगा, ओपनिंग्स रखेगा एंड स्ट्रक्चर क्लोज टू द सेटलम। ठीक है, दीज आर कंसर्न रिप्रोडक्शन, सारी चीज रिप्रोडक्शन से कंसर्न है, रिलेटेड हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, पता है आपको, किसी की भी नहीं बोली, केवल इस अर्थवर्म के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको बता रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, मैं बोलना चाहूँगा ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थवर्म। अब वो बता रहे हैं ये एग्रीकल्चर, इट लूजिंग्स ऑफ द लूजिंग्स ऑफ एरिड द सोयल। सर ये सोयल को ना लूज करते हैं, उनको फर्टाइल बनाते हैं है ना। दिस हेल्प्स इन रेस्पिरेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। इससे सर क्या करते हैं, रूट्स रेस्पायर होते हैं उनके एंड मेक्स देम ग्रो वेल, और उनसे वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, पेनिट्रेट डीपर और वो और डीप में जाके फैल जाते हैं। द अर्थवर्म्स कीप इंटर द लोअर लेयर ऑफ सॉइल विद द लोअर लेयर दस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सर ये सॉइल को ऊपर नीचे उसका लेयर अप डाउन करके बदलते रहते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। द अर्थवर्म्स एक्सक्रेटा इज रिच इन नाइट्रोजन। सर इनका जो एक्सक्रीट होता है, जो इनका जो मल होता है ना, इनकी जो गंदगी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है नाइट्रोजन की क्वालिटी में ना, उनमें नाइट्रोजन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, विच इज लुकेटेड फॉर प्लांट, जो कि प्लांट के लिए बहुत यूजफुल होती है। फिर कह रहे हैं, प्रेडेंटरी अर्थवर्म्स आर बीइंग यूज्ड इन वर्मी कल्चर फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी मैन्यूर। सर आज के टाइम पर अर्थवर्म्स का यूज़ करके हम मैन्यूर बना रहे हैं हाई क्वालिटी का। मैनी पीपल यूज अर्थवर्म्स एज अ बैट इन कैसेसिंग, एज अच्छा करने के लिए एज अ चारा, बैट मतलब चारा, एज चारा यूज करते हैं। तो काफ़ी सारे इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और सिक्स कैटेगरी पर आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्ड एनिमल। सर इनके लेग जॉइंट होते हैं, एग्जाम्पल क्रेफेस, क्रेव, मिलीपेड, सेंटीपेड, इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एट्सेट्रा। दिस फेलम हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, इस वाले के पास सबसे ज़्यादा एनिमल्स हैं, सिक्स वाले के पास है ना, ध्यान रखना है एमसीक्यू। दीज एनिमल्स हैव जॉइंट लिम्स, इनके जो लिम्स होते हैं वो भी जॉइंट होते हैं, वन पेयर ईच ऑन सम है ना, एंड ऑल बॉडी सेगमेंट। सर या तो वो कहीं ना कहीं पर होंगे, नहीं तो बॉडी सेगमेंट में कहीं पर भी हो सकते हैं पूरी बॉडी में। देयर इज एन एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ चिटिन, दे कास्ट ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन ड्यूरिंग ग्रोथ इन अर्ली लाइफ, पिछली रीग्रोथ जो कि दूसरी रीग्रोथ हो जाती है। द कास्टिंग ऑफ, उनका जो कास्ट ऑफ करना होता है, इनका ग्रोइंग होता है, उसको हम दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग। उस दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को मोल्टिंग। बियॉन्ड सिलेबस थोड़ी देर में देखेंगे फिर उसको। अभी भी काफ़ी रह गया,
तीनों के बीच में डिफरेंस कराने में, डिफरेंस अमंग फ्लैट वर्म, राउंड वर्म एंड रिंग वर्म। ठीक है, यूजुअली फ्लैट होते हैं फ्लैट वाले, राउंड वर्म वाले सॉफ्ट होते हैं, राउंड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और रिंग वाले सॉफ्ट होते हैं, साउंड होते हैं, वो सिलेंड्रिकल होते हैं, और रिंग लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी में होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, पहले वाली अनसेगमेंटेड होती है। दूसरा, इनमें बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, यहाँ पे फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, थोड़ी छोटी सी, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट होती है कोलमेट वाले, कोलमेट वाले है ना, एलिमेंटिकल की एक ओपनिंग होती है यहाँ पे, वहाँ पे राउंड वर्म में दो होती हैं और रिंग वर्म में भी दो होती हैं। ठीक है, जो फ्लैट वर्म का जो एलिमेंटिकल होता है वो माउथ और एनस दोनों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पर दिया नहीं है। बॉडी स्ट्रक्चर कर जनरल सिर्फ सुन बता दो, सुन बता दो, सुन लो, चार लोगों के आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं। असिमेट्री, ये अमीबा है ये शायद, है ना, पहला अमीबा ही है ये अमीबा, अमीबा का इन्होंने सिर्फ असिमेट्री, कुछ सिमेट्री नहीं है। ये आपको स्टारफिश है, इसके अंदर क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बना के देखोगे तो एक साइड बिल्कुल मैच करिएगा तो उसको ना सिमेट्री, और ये जो क्रॉस बना के हम सिमेट्री बना देखो तो रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। दूसरा हाउस है, उसके बीच में निकाले, उसके बीच में भी सिमेट्रिकल है, बायलैटरल सिमेट्रिकल, दोनों जगह बिल्कुल सेम है। फिर निकाले ह्यूमन की भी, ये बायलैटरल बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री है। ठीक है, क्या कह रहा था, सबको समझ रहा है। स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड सेट बोथ एंड्स रिप्रेजेंट द मेन इनविजिबल बीम ट्राई टू करता होगा ना मिनट टू इक्वल हाफ टू व्हाट यू फाइंड। वो कह रहा है अगर हम ऊपर वाली फिगर्स को करें ऐसे कट करें जिस तरह से ऊपर दिखाया तो हम उसको दो इक्वल पार्ट में पा लेंगे, और अगर दो इक्वल पार्ट में पा लेंगे तो क्या डिफरेंस मिलेगा हमें। तो वो कह रहा है मैम नो मैटर हाउ यू कट इट हैज टू हाफ, इट्स द टू हाफ विल नेवर बी सिमिलर टू ईच अदर। वो कह रहे हैं पहले वाले कितने ही पार्ट कर लो, कट कर लो, कितने ही पार्ट कट कर लो, दोनों का भी मैच नहीं होंगे। दस अमीबा इज असिमेट्रिकल, इसलिए इसमें कोई सिमेट्री है नहीं, इसको असिमेट्रिकल बोलेंगे। सो सरफेस एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, कोई भी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है विल डिवाइड द बॉडी टू सिमिलर पार्ट, अब वो बॉडी को सिमिलर दो हिस्से में बांट देगी। ठीक है, द सरफेस इज देयरफॉर रेडियली सिमेट्रिकल, इसको रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं। तीसरा हाफ है, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड टू सिंगल हाफ ओनली अमंग वन प्लेन। वो कह रहे हैं आराम से हो जाएगा ये, है ना, बीच में से अगर आपको कटवाना है तो अलोंग द मिडल एक्सिस। तो कह रहे हाउस लाइज देयर फॉर बायलैटरल बायलैटरली सिमेट्रिकल, जैसे मतलब अब इनमें दो साइड वर्ड हो जाएंगे, दोनों साइड से आधे आधे हो जाएंगे। फिर दूसरा ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी ऑल्सो शोज बायलैटरल सिमेट्री, almost all the vertebrates and a large number of intervertebrates are bilaterally symmetrical। वो कहते हैं ह्यूमन बॉडी तो ठीक है, इनके अंदर जो सिस्टम होते हैं ना वो भी bilateral symmetrical होते हैं। बॉडी डायरेक्शन, एंटेरियर, एंटेरियर मतलब आगे की तरफ, एंटेरियर मतलब कि आगे की तरफ, एक पर आगे, पोस्टेरियर मतलब पी, पी फॉर पीछे, टुवर्ड्स द हिंड एंड पीछे की तरफ, वेंट्रल, वेंट्रल मतलब क्या है जमीन पे, है ना, तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, और लेटरल मतलब ऊपर की तरफ, लेटरल मतलब क्या मतलब साइड, लेटरल मतलब साइड में, और रह गया एक डोर्सल, रहेगा डोर्सल मतलब होता है ऊपर की तरफ, और वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ, है ना, डोर्सल। ये डी फॉर डाउन मत कर देना, यहाँ पर उल्टा है, डी फॉर डाउन नहीं, यहाँ पे ना डी फॉर डोर्सल अपोजिट ऑफ द ग्राउंड यानी अवे फ्रॉम द ग्राउंड। सेवेंथ, फेलम मोलस्का, एग्जाम्पल स्नेल, स्लग, ऑयस्टर, मसेल, क्लैम, स्क्विड एंड ऑक्टोपस। ओहो, कैसे कैसे लोग आते हैं। These animals have a soft, unsegmented body with a hard, calcareous shell. इनके पास सेल होते हैं बहुत सारे, टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी, इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। They have a muscular foot to help for locomotion. तो चलने फिरने के लिए उसके पास मस्कुलर फुट होते हैं, पैर होते हैं, एंड ऑल्सो टू एक्ट एज अ वेपन इन सम केसेस, और कभी कभी अपने आप को बचाने के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं।
सारे उन्होंने पिक्चर दे दिए, देखो आप सारे फिल्म। एक्नोडर्मेटा, इसके अंदर आते हैं स्पाइनी स्किन एनिमल्स लाइक स्टार फिश, बेटा स्टार, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर एक्सेट्रा। इको एक्नोडर्म्स आर अनसेगमेंटेड मैरीन एनिमल्स, दे हैव एन एक्सो स्केलेटन एंड ए स्पाइनी सरफेस, दे मूव बाय मीन्स ऑफ ट्यूब फीट, दे आर रेडियली, नॉट रेडियली, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, सिलेन काट होगा तभी जो सिमेट्रिकल बैठेंगे। दैट इज देयर सिमिलर पार्ट है ना, यूजली फाइव जनरली फाइव होते हैं, अरेंज रेगुलरली अराउंड सेंटर पॉइंट, जो सेंटर से अगर आप अरेंज करोगे तो। प्रोग्रेस चेक आपके होमवर्क में है। नाइन्थ वाली कैटेगरी कितनी बड़ी है, छोटी सी, इसको खत्म करा के मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। फिलम कॉर्डेटा वर्टेब्रेटा, सर इनके पास बैकबोन होते हैं। ऑल कॉर्डेट्स पोजिशन नॉट गॉड विच इज अ ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द मिडल डॉर्सल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू प्रिमिटिव फॉर्म्स, कुछ प्रानी फॉर्म्स को छोड़कर इन विच द नॉट गॉड परसिस्ट थ्रू, जिनके बीच में नॉट गॉड थी पूरी लाइफ परसिस्ट करती थी। इन ऑल अदर केसेस इट इज रिप्लेस बाय बैकबोन, तो बाकियों के अंदर तो जल्दी इसको बैकबोन से रिप्लेस हो जाते हैं बस, नहीं तो कुछ कुछ केसेस में नहीं होते हैं। इन बैकबोन वाले को वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। ऑल वर्टेब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव नॉट नोटोकॉर्ड और एम्ब्रियोनिक लाइफ, द कॉर्डेट्स विच पजेसेस बैकबोन, द कॉर्डेट्स विच पजेसेस अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टेब्रेट्स, बिल्कुल सर, ऐसे कॉर्डेट्स जो कि बैकबोन रखते हैं उनको वर्टेब्रेट्स बोलते हैं। वर्टेब्रेट्स हैव अ वेल डेवलप्ड वर्टेब्रल कॉलम फॉर्म द मेन एक्सिस ऑफ देयर इंटरनल स्केलेटन, ठीक है, विच में भी द मिच में भी बोन्स और कार्टिलेज। दीज एनिमल्स हैव हेड, दीज एनिमल्स हैव हेड अ ट्रंक एंड टू पेयर्स ऑफ एपेंडिजेस, यानी वो लेग्स, गिल जो होते हैं इनको, गिल वाला फेफड़े, सिल्स आर गिल, वो गिल मतलब होता है शायद आप कन्फर्म करना, गिल सिल्स आर प्रेजेंट एट सम टाइम ऑफ देयर लाइफ। वर्टेब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव क्लासेस कंप्राइजिंग फिशेस, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, बर्ड्स एंड हेयरी क्वाड्रॉप्स, तो इनको फिर फर्दर पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जो पांच कैटेगरी हैं, फ्रॉग जिसको एम्फीबियन बोलते हैं, चूहा, फिर भी जो भी मेमल्स, बर्ड, फिश, रेप्टाइल, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन एनिमल्स का, एनिमल किंगडम का दो तरह के होते हैं, इनवर्टिब्रेटस और वर्टिब्रेटस। वर्टिब्रेटस के अंदर केवल एक आता है कॉलेटा, और इनवर्टिब्रेटा के अंदर नाइन नौ नौ कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में यहाँ तक करते हैं, ठीक है।